हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण और आज फिर से मैं आपके लिए लेकर के एक बहुत ही ज़बरदस्त DIY जिससे आप अपने फेस के डार्क सर्कल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और अपने होंठ के चारों साइड में अगर काले घेरे हैं उसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आंखों के नीचे अक्सर काली झाइयाँ हो जाती है, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी नुस्खा लेकर के आई हूँ। यह वाला नुस्खा आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट करेगा और आपके फेस से पिंपल्स, रिंकल्स वगैरह को हटा के आपको एकदम चमकता हुआ चेहरा प्रदान करेगा दोस्तों। तो इसके लिए हमने आज लिया है चीनी, यानी कि शुगर। चीनी दोस्तों कहा जाता है ये जो है नेचुरल जो है स्क्रबर का काम करता है। अगर आप चीनी को नॉर्मली अपने फेस पे जैसे कि दूध में या फिर नॉर्मल नींबू वगैरह में डाल के अपने फेस को स्क्रब करते हो ना, तो आपके फेस का जो डार्क सेल्स वगैरह होता है, डेड सेल्स वगैरह होता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सभी निकल के और आपका स्किन एकदम चमकने लगता है। तो सेम आज हम चीनी का उपयोग इस वाले DIY को बनाने के लिए कर रहे हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है चीनी। अगर आप मार्केट से कोई भी स्क्रबर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है और फिर उसका उतना रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता है। तो घर पे ही नेचुरल स्क्रबर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए दोस्तों, जिससे आपका फेस खूबसूरत और सुंदर हो जाए और आपका चेहरे से डार्क सर्कल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स दूर हो जाए। तो आपको लेना है चीनी। उसके बाद अगला सामग्री आपको चाहिए होगा टमाटर। टमाटर दोस्तों कहा जाता है नेचुरल ब्लीच का काम करता है। इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ के साथ ही इसके अंदर पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन डी, जो कि हमारे फेस के डेड सेल्स, पिगमेंटेशंस वगैरह को दूर करता है, डार्कनेस को दूर कर और आपका स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान बनाता है। अगर आप टमाटर को कंटिन्यू अपने फेस पे इस्तेमाल करते हो ना, तो आपका फेस बिल्कुल टमाटर के जैसा लाल लाल हो जाएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो आपको क्या करना है, टमाटर को इस तरीके से 2 स्लाइस में काट लेना है। अगला सामग्री आपको चाहिए होगा शहद। शहद में दोस्तों बहुत ही भरपूर मात्रा में जो है पाया जाता है इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, वायरस जो होता है वो प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे आपके फेस को ये चिकना करता है, आपके फेस को एक अलग सा चमक देता है, शाइन लाता है और आपके फेस को नेचुरली जो दोस्तों साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा हनी। तो 3 चीज़ की मदद से जो है आप एकदम ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया सा DIY बना सकते हो और सभी के सभी आपको घर पे इजीली से मिल जाएगा। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लेना है, घर का ही सभी चीज़ें इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या करना है, आधा टमाटर किस तरीके से स्लाइस करके उसके ऊपर इस तरीके से आपको रखना है चीनी। चीनी इस तरीके से आपको लगभग आधा चम्मच के आसपास ही चाहिए होगा। ज़्यादा चीनी का उपयोग ना करें, ज़्यादा सही है, मतलब आधा चम्मच ही ज़्यादा ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से आपको इसके ऊपर से जो कटा हुआ पार्ट होता है उसके ऊपर आपको डाल देना है चीनी को और उसके बाद इसके ऊपर आपको डालना है शहद को। तो इस तरीके से जैसे डालेगा ना दोस्तों, ये हल्का हल्का से जो है जैसे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको इसके ऊपर डालना है शहद 1 चम्मच। शहद और टमाटर और शुगर जब मिलते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया नेचुरल एंटी ब्लीच का काम करेगा। आपके फेस में जा कर के आपके फेस के कालापन को हटाएगा, आपके फेस से डेड सेल्स को हटा करके और आपके फेस को बहुत ही खूबसूरत और चिकना बनाएगा। अब लास्ट में जो है नींबू जो है नेचुरल ब्लीच का काम करता है, इसके अंदर में विटामिन सी होता है। तो नींबू को भी आपको ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए, जिससे आपके फेस को ब्लीच करने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करे। उसके बाद आपको इस तरीके से लेना है और आपके पूरे फेस में कैसे आप स्क्रबर करते हैं टमाटर पे रख करके उसको अच्छे से अपने फेस में हल्के हल्के हाथों से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं रगड़ना है, हल्के हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है। होंठ को चारों साइड अक्सर कालापन हो जाता है, आँखों के नीचे कालापन हो जाता है। इस तरीके से आपको रख करके और इसको हल्के हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है। ये करना है आपको नहाने के पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर से आपको जो इसके जूसेस वगैरह बाहर आएंगे, रसेस टपकेंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए आपको नहाने के पहले इसको ज़रूर करें। और इसको यूज़ करने के बाद दोस्तों कोशिश करें कि कोई भी फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल ना करें, नॉर्मली ऐसे ही आपका स्किन बहुत ज़्यादा चिकना और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से जहाँ पे भी आपको जैसे डार्क सर्कल्स वगैरह ज़्यादा है, होंठ के काले घेरे हैं, होंठ बहुत ही ज़्यादा काला है, तो वहाँ पे भी आप इसको रब कर सकते हैं। कंटिन्यू करने पे मतलब वीक में आप 1 बार या 2 बार ये वाला नुस्खा ज़रूर ट्राई करें। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते हैं दोस्तों आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा।
बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये जो है आपके नाक वगैरह पर अक्सर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वगैरह हो जाते हैं, तो चीनी जो है हल्का हल्का खुरदरा होता है, तो उससे आपको स्क्रब करने से वो सभी निकल जाएगा। बाहर से किसी तरह का कोई स्क्रबर लेने की आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल स्क्रब है। नेचुरल स्क्रब का ये बहुत ही बढ़िया सा काम करेगा, आपके फेस से डार्क सेल्स वगैरह को भी हटाएगा, डेड सेल्स को हटाएगा, और बहुत ही बढ़िया इस तरीके से आपको नाक के ऊपर और आपके फेस पे सभी जगह पे, आप चाहें तो इसको गर्दन पे भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्दन भी अक्सर काला कालापन हो जाता है गर्दन के चारों साइड में, तो वहाँ पे भी इसको स्क्रब कर सकते हैं। तो पहली बार के इस्तेमाल से आपको बहुत ही फ़र्क दिखेगा, आपके होंठ के चारों साइड जो कालापन होता है वो कम हो जाएगा, आपके आँखों के नीचे कालापन रहता है ना वो कम हो जाएगा। आपको इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, कंटिन्यू इस्तेमाल करते ही आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही बढ़िया सा लुक आएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, छूने में एकदम सॉफ्टनेस फील होगा और फेस बहुत ही ज़्यादा साफ़ और ब्राइट दिखेगा दोस्तों। तो ज़रूर ट्राई करें और बताएं कमेंट्स करके कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो देखने के लिए।